वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें गिवन है 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30। इसके हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू देखनी है, पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो 5 × cos² 60 गिवन है, तो 5 का 5 आ गया, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर सिर्फ कॉस का था, तो जो कॉस की वैल्यू आई सिर्फ उसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर नहीं करना है। प्लस सेम यहाँ स्क्वायर सिर्फ सेक के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है, तो ये 4 एज इट इज़। और सेक 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो सेक 30 कितना होता है, 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10/45 वन का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 कितना होता है, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है, 3/√2 इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 5/4 प्लस 4/4 = 16 अपॉन में 3 माइनस 1। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो गई। ऊपर एलसीएम लेते हैं तो 4/3 का एलसीएम 12 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3/5 = 15, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 16 से करेंगे 64, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12, 12 × 12। अब 3+1 = 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब इसे प्लस करते हैं तो 64+15 कितना आ गया, 79 माइनस 12 अपॉन में कितना दे रखा है, 12। नीचे 1 बचा जो लिखने की जरूरत है नहीं हमें। अब इसे माइनस करते हैं तो 9 − 2 माइनस करेंगे 7, 7 − 7 − 6 अपॉन में 12। आई होप इट्स क्लियर। हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।